जय माता दी, जय हरिहर, जय हिंद। कुछ तथाकथित लोग हैं, कुछ ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं और कुछ भक्तजन भी हैं, और कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक हैं, जो सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं। वे तो जो नास्तिक हैं वो तो हमारे धर्म, सनातन धर्म, देवी देवता का अपमान लगातार करते रहते हैं, किंतु कुछ जो सनातनी हैं, जो ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन फिर भी उन्हें अपने ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसका उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती को एक साधारण स्त्री की तरह पेश करते हैं। तो भाई साहब, पहले तो जान लीजिए आप सभी कि ये तीनों माताएं आदिशक्ति का मूल स्वरूप है, वो तीनों आदिशक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले इनका जानना आवश्यक है। जो माँ सरस्वती हैं वो कौन है पहले जानिए। देखिए, ब्रह्मांड में जितनी भी कलाएं विद्यमान हैं, चाहे संगीत कला हो, नृत्य कला हो या दूसरी अन्य अन्य जो भी कलाएं होती है, वो सब कलाएं हैं। जितनी भी विद्याएं हैं, तरह तरह की शिक्षाएं हैं, तरह तरह का ज्ञान है, अर्थात ज्ञान, शिक्षा, कला, विद्या, इन सब का वह साकार स्वरूप है। मतलब ये सब ज्ञान, विद्या, शिक्षा और कलाएं ये साकार स्वरूप में मूर्ति रूप होकर माँ सरस्वती रूप में विराजमान है। मतलब माँ सरस्वती जो है वो ज्ञान, विद्या, कला, शिक्षा देने वाली नहीं है, वह स्वयं खुद ज्ञान, कला, विद्या और शिक्षा है। वो मूर्ति रूप में एक स्त्री स्वरूप में होकर प्रत्यक्ष विराजमान है। इसी तरह माँ लक्ष्मी कौन है ये जानिए कि ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितने तरह के रत्न, जितने भी संपत्तियां, जितने भी ऐश्वर्य, जितनी भोग की वस्तुएं, जितने भी धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, हर प्रकार के जो ऐश्वर्य, दुर्लभ दुर्लभ अमूल्य निधियां हैं, वे सभी साकार स्त्री स्वरूप में माँ लक्ष्मी है। अर्थात माँ लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, वह स्वयं धन है, वह स्वयं संपत्ति, वह स्वयं ऐश्वर्य है। ब्रह्मांड में जितनी भी रत्न है, जितनी भी धन ऐश्वर्य संपत्तियां हैं, वह स्वयं साकार रूप लेकर माँ लक्ष्मी रूप में विराजमान है। वो ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, जो बल है, तरह तरह की अलौकिक शक्तियां, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति या तरह तरह की ऊर्जा की शक्ति, उष्मा की शक्ति, तरह तरह की जितनी भी शक्तियां हैं, वह सब निराकार है। जब शक्ति शब्द का उच्चारण करते हैं, भूलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें, मतलब उसका कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, लेकिन वह शक्ति स्वयं साकार होकर माँ पार्वती रूप में विराजमान है। तो ये तीन तत्व हैं, ज्ञान, कला, विद्या, बुद्धि। ये जो तत्व हैं, ये स्वयं साकार रूप लेकर माँ सरस्वती के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो जितने धन ऐश्वर्य रूपी जो तत्व है, वह सब माँ लक्ष्मी स्वरूप में, स्त्री रूप में विद्यमान है। और जितने भी शक्ति तत्व हैं, शक्ति का जो तत्व है, निराकार स्वरूप जो तत्व है, वह शक्ति स्वयं साकार रूप लेकर स्वयं माँ पार्वती रूप में विद्यमान है। अर्थात आपने देखा है कि ब्रह्मांड जो पूरा विश्व है, केवल तीन चीजों से संचालित हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए आपको तीन मूल तत्वों की आवश्यकता होगी। एक ज्ञान, धन, विद्या, बुद्धि, ये चाहिए। दूसरा आपको चाहिए धन संपत्ति चाहिए, और तीसरा चाहिए आपको शक्ति। मतलब ब्रह्मांड को अगर आपको चलाना है तो आपको ज्ञान विद्या की आवश्यकता भी होगी, आपको धन की आवश्यकता भी होगी और शक्ति की आवश्यकता भी होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक तत्व की कमी हो जाती है तो ये ब्रह्मांड का संचालन असंभव है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन और शक्ति है किंतु ज्ञान, विद्या, कला, बुद्धि नहीं है तो वो अपूर्ण है, वो किसी काम का नहीं है, उसके लिए वो धन और शक्ति व्यर्थ है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान और शक्ति दोनों हैं किंतु उसके पास धन नहीं है, तो आप तो जानते हैं अगर धन नहीं होगा तो व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो अपूर्ण है। उसके पास धन का होना भी अति आवश्यक है, ज्ञान शक्ति से वो सब कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान और धन है किंतु शक्ति नहीं है तो भी वो अपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान और धन होने पर भी अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो किसी कार्य करने में ही समर्थ नहीं हो सकता। मतलब हमें कहीं ना कहीं ज्ञान की आवश्यकता, धन की आवश्यकता और शक्ति की आवश्यकता होगी, और तीनों की आवश्यकता जिसके और तीनों की क्षमा कीजिए और तीनों की आवश्यकता तो सभी को होती है, इसलिए तीनों का होना हमारे जीवन अति अनिवार्य है। तो ये मूल तत्व, ये तीनों ही माँ आदिशक्ति हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, तीनों ये परम तत्व भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो जिस प्रकार कहने का अर्थ आगे है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, मतलब निर्माण करता है, तो एक निर्माणकर्ता जो होता है उसे क्या, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास ज्ञान होना चाहिए, कला होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, विद्या होना चाहिए निर्माण करने की, तभी वो
किसी चीज का निर्माण कर सकता है। तो ब्रह्मा जी विश्व के निर्माण करता है, सृष्टि करता है, तो उनके पास माँ सरस्वती स्वयं ज्ञान कला विद्या रूप में विराजमान है, इसलिए वो ब्रह्मांड का संचालन, ब्रह्मांड की सृष्टि कर पाते हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं जो कि दुनिया का संचालन पालन पोषण करते हैं। तो हमें, हम जानते हैं कि संचालन पालन पोषण करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, तो स्वयं धन ऐश्वर्य रत्न सब कुछ जो है वो स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूप में उनके पास विद्यमान है, इसलिए वे इस ब्रह्मांड का संचालन कर पाते हैं, इस ब्रह्मांड का पालन कर पाते हैं। अब भगवान शिव शंकर जो हैं वो विनाश संहार के देवता हैं। अब उन्हें अगर विनाश करना है, संहार करना है, सर्वनाश करना है, तो उन्हें के पास शक्ति होना आवश्यक है, और स्वयं माँ, स्वयं शक्ति माँ पार्वती स्वरूप में उनके पास विराजमान है, इसलिए वे ब्रह्मांड का विनाश सर्वनाश संहार कर पाते हैं। अगर ये तीनों माता इन तीनों देवों के पास नहीं होंगी तो वे तीनों अपने कार्य करने असमर्थ हो जाएंगे, आप समझिए, इसलिए शक्ति को सर्वोपरि कहा गया है। अगर माँ सरस्वती नहीं होगी तो ब्रह्मा जी संचालन ब्रह्मांड का, क्षमा कीजिए, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अगर माँ लक्ष्मी नहीं होगी तो भगवान विष्णु पूरे विश्व का संचालन पालन कैसे कर सकते हैं? अगर माँ पार्वती नहीं होगी तो भगवान शिव ब्रह्मांड का विनाश संहार कैसे कर सकते हैं? एक स्वाभाविक तर्क है, आध्यात्मिक तर्क है कि अगर मुझे घर चलाना है तो मुझे लक्ष्मी आवश्यकता होगी, अगर मेरे पास लक्ष्मी है तो मैं स्वयं में विष्णु हो गया, अगर मुझे किसी कार्य का निर्माण करना, कार्य करना है, वो मेरे पास बुद्धि कला कौशल ज्ञान कला है और मैंने उसका निर्माण कर लिया तो मैं ब्रह्मा हो गया, क्योंकि मेरे पास सरस्वती थी। अगर मुझे किसी चीज़ का नाश करना है, सर्वनाश करना, विनाश करना है, तो मेरे पास शक्ति होगी तो मैं उसका नाश कर दूंगा, अर्थात मेरे पास, मैं स्वयं शिव बन गया। ये तीनों माताएं परम तत्व हैं, ये परब्रह्म स्वरूपिणी है, ये किसी साधारण स्त्री या नारी तरह नहीं है, व्याज शक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी है, आप इसे जान लीजिए, क्योंकि हमें हमारे इष्ट के बारे में जानना अति आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट को जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके बारे में पता तो हो कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, वो कौन है, वो कौन सा तत्व, वो क्या तत्व है, क्या है, क्या शक्ति है, कौन सी शक्ति है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये तीनों माताएँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, ये जब तीनों एक होती हैं तब माँ दुर्गा का रूप बनता है जो कि अष्टभुजा धारिणी और सिंह वाहिनी है, वही आदि शक्ति मूल प्रकृति पराम्बा पराशक्ति माता है। इसलिए माँ दुर्गा के नवान मंत्र में तीनों माताओं का बीज मंत्र होता है, ऐम ह्रीम और क्लीम। इसलिए मेरा सभी मेरे भाई बंधुओं से निवेदन है कि अपने इष्ट को जानिए, उनकी आराधना कीजिए, और किसी मूर्ख या किसी दुष्कपटी व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने सनातन धर्म का बहिष्कार मत कीजिए और अपने देवी देवताओं का अपमान ना कीजिए। बस मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जय माता की, जय हरिहर, जय हिंदू।